नमस्कार, मैं हूं आरपी शर्मा। होली का मौका है, आप सभी को होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। होली का इंतजार बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया, पर मेरे साथ क्या हुआ सुनिए। अब की होली का था हमें बहुत इंतजार, क्योंकि पिछली 35 होली तो हो चुकी थी बेकार। ना मिली रुक्मणी, ना मिली थी राधा, उम्र बीत गई थी आधी से ज्यादा। मन में आता था एक ही विचार, ये कहीं वो भूढ़त्या को तो नहीं हो गई शिकार। अब होली वाले दिन पहले की पूजा, फिर छुए बड़ों के पैर, हर एक को गले लगाया भुला के पुराने बैर। चारों ओर थी होली की वेव, हमने भी रंगों से भर ली अपनी जेब। अब बहुतों का तो बजाना था बैंड, पर कम से कम एक बनानी थी गर्लफ्रेंड। तो घर से निकलते ही दिखी पड़ोस वाली, पर रंग लगाने से पहले उसने दे दी गाली। फिर मिली मोहल्ले की सपना, बोली तुम्हारा रंग नहीं चढ़ेगा, रिश्ता हो गया पक्का अपना। और तीसरी बोली, अभी तुम्हारे पिताजी से रंग लगवा के आए, तुमसे ज्यादा तो वो मैं भाई। और चौथी तो हमें देख के ही जोर से मम्मी मम्मी बोली। फिर उसकी मम्मी ने खेली हमारे साथ जमकर लठ मार बोली, लठ इतने पड़े कि प्यार का भूत भाग गया, लठ इतने पड़े कि प्यार का भूत भाग गया। और होली वाले दिन रक्षाबंधन वाला प्रेम जाग गया। घर पहुंचे तो पिताजी आ धमके, वो भी सुन आए थे हमारी कृष्ण लीला, और उन्होंने तो बिना रंग के ही हमारा पूरा शरीर कर दिया लाल नीला पीला। वो तो अच्छा था घर में अम्मा की चलती थी, अब अपनी और अम्मा की आपस में खूब रमती थी। हमने तुरंत उनके चरण पकड़े और कह डाले अपने सारे अरमान। फिर अम्मा ने पिताजी को लताड़ा, और जारी कर दिया अपना फरमान कि जा छोरा की शादी है जानी चाहिए 3 महीना में। अब आनंद फानंद में जब पिताजी ने बेची अपनी दौलत आधी, तब जाके 2 मई को हो पाई हमारी पूरी शादी। अब एक भयानक पत्नी के हम बन तो गए हस्बैंड, पर दिल लभी बेचैन है पाने को गर्लफ्रेंड। इसी गम में हमने गली गली छान मारी है, और प्रेमिका की तलाश आज भी जारी है।